हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक चीज़ हेल्दी नहीं लेके आई हूँ अपनी रेसिपी में, बट बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड जो होती है और सभी की फेवरेट, इतने बच्चे से लेके और बुढ़े हो जाएं लेकिन ये खाना हम छोड़ नहीं सकते। और मेरी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि हॉस्टल डेज में मैं सिर्फ यही बनाया करती थी, तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। आज है मेरे पास मैगी और आज मैं आप सभी को अपनी स्पेशल तरीके की मैगी बनाना सिखाऊंगी, यानी कि जैसे मैं बनाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, वेजिटेबल्स डाल के और बहुत अमेजिंग, बहुत जल्दी बनने वाली, कोई तामझाम नहीं है, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सब्ज़ियाँ पहले से ही काट ली हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सब्ज़ियों में मैंने यहाँ पे प्याज काटा है, कैप्सिकम लिया है और टोमेटो लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने कट कर ली है, दो लंबी लंबी वाली, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है। अगर आपको ना पसंद हो तो इसे स्किप कर दें। एक एक मैंने सारी चीज़ें ली हैं। एक टमाटर लिया है, दो मीडियम साइज़ के ले सकते हैं, मेरे पास काफ़ी बड़ा था तो मैंने एक ही लिया था। एक टमाटर, एक प्याज, एक कैप्सिकम ले लिया है और यहाँ पर छः मैंने लहसुन, छोटे छोटे लहसुन के पीसेस को कट कर लिया है, यानी कि उसको छील के और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप लहसुन को बिल्कुल ही स्किप कर सकते हैं, मुझे बस इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने ये लिया है। और आप इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, अदरक है नहीं तो स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं। और लहसुन और प्याज डालने का मेन एक और मोटिव है कि नवरात्रि ख़त्म हो चुके हैं तो अब तो लहसुन और प्याज खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैगी के पैकेट्स लिए थे तीन, उसको फाड़ के और मैंने ऐसे प्लेट में रख लिया है। आई डोंट नो कि हम वो पैकेट्स दिखा सकते हैं या नहीं, भाई कह रहा था कि वो नहीं दिखा सकते, तो डू कमेंट, आप बताना मुझे कि हम दिखा सकते हैं या फिर नहीं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर ये रेसिपी आप सभी को अच्छी लगेगी और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को करना लाइक और मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और भी यम्मी यम्मी रेसिपीज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, तो वो ज़रूर देखें। जैसे कि मैंने जो ये लुक क्रिएट किया है ये सिर्फ काजल से किया है, तो वो भी मैं उसका ट्यूटोरियल ज़रूर डालूंगी स्टोरी पे, तो आप ज़रूर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बकबक नहीं करके। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी थी और ये गर्म हो चुकी है अच्छी तरीके से, तो इसमें हम करीबन 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, आप एक भी चम्मच डाल सकते हैं, दो डाल देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 पैकेट लिए हैं। तो कढ़ाई गरम थी, आई थिंक कि ये भी ज़्यादा गरम ना करते हुए आप देखिए, यहाँ पे मैंने जो लहसुन कट करके लिया था सबसे पहले मैं वो डाल दूँगी, सिर्फ लहसुन, कैप्सिकम मत गिरो। और इसको थोड़ी देर हम सौते कर लेंगे। लहसुन का फ्लेवर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा थोड़ा सा ना मुझे चिकन की याद दिलाता है, क्योंकि हम जो चिकन बनाते हैं उसमें बहुत सारा लहसुन डालते हैं। और चिकन की भी रेसिपी हम बहुत जल्दी शेयर करने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जल्दी से जल्दी अपडेट आप सभी को मिल सके। तो मैं कर देती हूँ थोड़ा सा गैस हाई और इसको जल्दी से सौते कर लेते हैं हम। आप अपने अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों की, जो भी मैं डाल रही हूँ, उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 पैकेट मैगी बना रही हूँ। आप एक बनाएं तो इसमें, जैसे मैंने यहाँ पे 6 पीसेस लिए थे तो आप 2 डाल सकते हैं। ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लहसुन का अच्छा नहीं लगता, वरना जो मैगी का टेस्ट होता है वो कम हो जाएगा। तो लहसुन यहाँ पे अच्छी तरीके से सौते हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च डाल दूँगी और पीछे हो जाएंगे हम, थोड़ा सा हल्का सा चला देंगे इसे, ज़्यादा हमें मिर्च को फ्राई करना नहीं है, हल्का सा चलाना है बस। और एक दो बार चलाने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज की क्वांटिटी मैंने बताई थी आपको कि मैंने सिर्फ एक ही लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब प्याज को हम अच्छी तरीके से सौते कर लेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हल्के से पिंकिश हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं। इसके बाद इसमें कैप्सिकम डाल दें,
टोमेटो जो होता है वो सबसे लास्ट में हम डालते हैं क्योंकि वाटरी होता है वो, तो उसका वाटर कंटेंट की वजह से वो फ्राई नहीं हो पाता। तो इसलिए हम प्याज और कैप्सिकम को पहले अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में हम उसमें टमाटर डाल देते हैं। कैप्सिकम को भी नेचुरल उसका टेस्ट रहने देंगे, ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ताकि वो पक जाए, कच्चा कच्चा फ्लेवर ना आए उसका। अनियन और कैप्सिकम भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। कैप्सिकम को हमने थोड़ा सा ही फ्राई किया था, ज़्यादा नहीं करना होता, उसका नेचुरल फ्लेवर हम रहने देंगे उसमें। और गैस को मैंने लो कर दिया है क्योंकि जैसे ही हम टमाटर डालेंगे बहुत सारा धुआं आने वाला है, तो इससे पहले ही मैंने इसे क्या किया, लो कर दिया। और टोमेटो को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लो। टमाटर डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, अदरवाइज टमाटर नीचे चिपक सकता है। वैसे तो मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई ली है, आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं इसे। तो इसके बाद थोड़े थोड़े करके थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ आधे से थोड़ी सी कम देगी मिर्च, ताकि मैगी का कलर बहुत सुंदर आए। मिर्च तो हमने डाली दी है तो मिर्च हम स्किप करेंगे। लाल मिर्च वैसे भी खाना नहीं चाहिए, हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता है, तो हम मिर्च स्किप कर देते हैं। थोड़ा सा धनिया डालेंगे, ज़्यादा मसालों का फ्लेवर भी ना आए, लेकिन प्लेन मैगी भी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। थोड़ा सा मैं हल्दी भी डाल देती हूँ, इसे भी क्यों छोड़े। हल्दी मैंने एक चुटकी डाला है ताकि थोड़ा ऑरेंज सा कलर आए, रेड रेड ना आए। और नमक डालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मसाले को फ्राई कर लेते हैं। पहले नमक नहीं डालना होता, वरना सारे जो वेजिटेबल होगी वो सारा अपना जो वाटर है वो रिलीज़ कर देगी। तो इससे क्या होगा, जब हम मसाला डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होता। तो इसे एक बार मिक्स कर लें अच्छी तरीके से कम फ्लेम पे। तो देखिए कितना ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है सारे मसाले, अभी जबकि मैंने मसाला बिल्कुल भी नहीं डाला है। अभी हमारे सॉस मेकर तो बचे हुए हैं, इसे भी अब जल्दी से खाली कर देते हैं। यहाँ मैंने 3 मैगी के पैकेट्स लिए थे, तो 2 तो डाल दिए, एक और। एक और डाल के इसे मिक्स कर देते हैं, और इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस मिक्स कर दिया। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने करीबन 4.5 कप पानी डाला है, थोड़ा सा ये इवेपोरेट होने के लिए आधा कप मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। 3 पैकेट मैगी में 4.5 कप पानी सफिशिएंट है, 4.5 चाय पीने वाले ग्लास से, बड़े वाले दूध वाले से नहीं। तो पानी डाल के और गैस को कर दें हाई, ताकि ये जल्दी जल्दी से बॉयल हो जाए। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, वेट तो करना पड़ेगा, इतनी जल्दी तो बनती नहीं है चीज़। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। और एक चीज़ बिल्कुल भी ना भूलें कि आपने नमक नहीं डाला है, तो नमक मैं डाल देती हूँ। वैसे सॉस मेकर में नमक होता ही होता है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाती हूँ तो हल्का सा और डाल दूँगी, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। किसी किसी को नमक डालना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि वो उतने में ही काम चला लेते हैं, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और इसको मिक्स करके जब तक इसमें अच्छा सा बॉयल ना आ जाए, तब तक हम मैगी नहीं डालेंगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर कच्चे ही पानी में, विदाउट बॉयल किए पानी में अगर आप डाल देते हैं मैगी को, तो वो फूल जाती है ऑलरेडी, और बॉयल होते टाइम में और ज़्यादा बड़ी और मोटी हो जाती है, तो वो ना हलवा जैसी बन जाती है। अगर बॉयल्ड पानी में आप मैगी डालेंगे तो उसके जो स्ट्रैंड्स हैं अलग अलग रहेंगे, खिले खिले रहेंगे, तो बहुत टेस्टी लगेंगे। तो पहले इसको बॉयल होने देते हैं, इसको हम कवर कर देते हैं। तो इसे हमने कवर कर दिया है, और थोड़ी देर में इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा और हम इसमें मैगी डाल देंगे। तो था ना बहुत ही सिंपल, और बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। इसमें अनियन का टेस्ट है, टोमेटो का टेस्ट है, कैप्सिकम का है, और मेरा फेवरेट गार्लिक का भी टेस्ट है, और क्या सॉस मेकर है, और कुछ मसाले हैं। आप इसमें गर्म मसाला बिल्कुल भी ना डालें, फिर ये ना सब्ज़ी की तरह लगेगा। और क्या बताऊँ, बस चलो देखते हैं। तो इसमें बॉयल अच्छा खासा आ गया है, तो अब हम इसमें मैगी डाल देते हैं। मैं थोड़ी सी इसको तोड़ देती हूँ, मुझे वो नीचे नीचे जो लग जाती है ना स्ट्रैंड्स, वो अच्छा नहीं लगता,
तो थोड़े से मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती हूँ। आप चाहें तो तोड़ें, अदरवाइज़ नहीं तो वो जो नूडल्स लंबे लंबे खाने वाली आदत है आपको, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप सभी से। जब मैं हॉस्टल में थी और हमारा क्या होता था, मेस टाइमिंग होती थी 7:30 से 9, 9 बजे तक अगर कोई कुछ खा ले, और हॉस्टल में तो 2-2 बजे सोते हैं, तो हम यही बनाते थे, वो भी केटल में बनाते थे। बहुत मज़ा आता था, रूममेट्स के साथ मस्ती करते थे। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें ये मैगी, मेरी रेसिपी है। कई सारी रेसिपीज़ डाली हुई हैं यूट्यूबर्स ने, लेकिन आप ज़रूर इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल बटन को प्रेस करेंगे तो कुछ भी वीडियो मैं डालूँगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब हमें कुछ भी नहीं करना है। इसको मिक्स कर देने के बाद हमें इसे ढक देना है और 5 मिनट के लिए भूल जाना है। अच्छा, मेरी ये गंदी आदत है, मम्मी डांटती हैं प्लेट में रखना चाहिए, तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं कि ये इसकी क्या हालत हो गई है। पानी सारा इवेपोरेट हो चुका है और इसे हम मिक्स कर देंगे। वाओ, मैंने कहा था ना कुछ नहीं करना, अब ये बिल्कुल तैयार है। अगर आपको इसको सूपी बनाना हो और पानी डाल दो, और इससे भी ज़्यादा सूखा बनाना हो तो इससे थोड़ा सा कम पानी डाल दो, लेकिन मुझे ये परफेक्ट लगता है। तो इसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और कम क्या, ऑलमोस्ट रेडी ही है, तो मैं इसको बंद ही कर देती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे ड्राई जो होता है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ना कि हाँ कुछ खा रहे हैं, सूखा सूखा सा फिर पानी के साथ खाओ या कोल्ड ड्रिंक के साथ, तो बिल्कुल अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए हमें। तो अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ, कल मैं और मम्मी 2 बजे के करीब लाइव गोलगप्पा चैलेंज करने वाले हैं, तो आप सभी बिल्कुल भी ना भूलें, ज़रूर आएँ और देखें कि कौन ज़्यादा गोलगप्पे खाता है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये लंबी लंबी टेस्टी सी मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है, आइए इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने सर्विंग के लिए ये ब्लैक कलर की सेरेमिक कढ़ाई ली है, और ये भी हमने कहाँ से लिया, आप हमारे सेकंड ब्लॉग में देख सकते हैं। अरे थोड़ी सी और डाल देते हैं, एंड इट्स इनफ। अच्छा, आप चाहें तो इसे मेयोनीज़ और केचप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, पर मुझे मैगी पर्सनली सिर्फ मैगी अच्छी लगती है। तो या इट्स रेडी। बहुत टेस्टी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी बनाएं, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैंने मैगी कैसी बनाई और आप सभी को कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी या फिर न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। A mix of emotions.